Hello and welcome to Vaning Online Smart Class. I'm Rajiv, the Faculty of English, and today I have come with you a short video that is where to use that ka use kahan pe karte hain. आप लोगों को पता है दैट हम कैसे यूज करते हैं. दैट को हम एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हिसाब में यूज करते हैं और एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के हिसाब में यूज करते हैं. बट प्रॉब्लम आता है दैट को हम जब रिलेटिव प्रोनाउन के हिसाब में यूज करते हैं दैट कहां कहीं कहां पे यूज करेंगे ये प्रॉब्लम आता है. तो एज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हिसाब में कैसे यूज करते हैं फर्स्ट लर्न करते हैं. एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यहाँ पे देखिए फर्स्ट आई हैव रिटेन Who is that boy? यहाँ पे that I have mentioned that it is used as an adjective. किस तरह use हुआ है? Adjective की तरह use हुआ है. क्यों use हुआ है adjective? Because यहाँ पे boy है. Boy एक noun है. और ये that noun को qualify कर रहा है. अब एक next example में देखिए. Give me that book. यहाँ पे book क्या है? Noun है. Noun के पहले जो word आता है उसको हम क्या बोलते हैं? Adjective. तो यहाँ पे that किस तरह यूज है? As an adjective. What was that noise? यहाँ पे भी noise एक noun है. Noun के पहले बैठा है तो यहाँ में क्या बोलेंगे that को? Adjective हिसाब में यूज है. तो that is used as a demonstrative adjective. आप लोगों को अभी ASO की exam पे या CDS की exam पे अभी एक question बहुत ही common आता है कि आप दैट का पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करिए. तो अगर दैट नाउन के पहले आता है तो आप उसको क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे. ठीक है, अभी देखते हैं दैट एज अ प्रोनाउन. व्हिच प्रोनाउन? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. देखिए यहां पर क्या लिखा हूं, दैट इज नॉट माई पेन. क्या लिखा है यहां पे देखिए, दैट इज नॉट माई पेन. ये जो दैट यूज हुआ है ये किसके लिए यूज हुआ है? माई पेन के बदले में दैट यूज हुआ है. और आप लोगों को सबको पता है द वर्ड विच इज यूज इंस्टेड ऑफ प्रोनाउन उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं. तो यहां पे दैट को हम क्या बोलेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलेंगे. समझ में आ रहा है आप लोग को? अभी देखिए सेकेंड एग्जाम्पल में दिया हूं, हु गेव यू दैट. यहाँ पे दैट क्या है? ये भी हु गेव यू दैट, दैट पर्टिकुलरली कुछ चीज को इंडिकेट कर रहा है. तो यहाँ पे भी दैट क्या है? एज अ प्रोनाउन के हिसाब में यूज हुआ है. सेकंड लास्ट एग्जांपल में देखिए, हु सेड दैट, दैट एक स्टेटमेंट को इंडिकेट कर रहा है. तो ये भी एक नाउन के बदले में बैठा है इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? एज अ प्रोनाउन बोलते हैं. अभी समझ में आया दैट का एडजेक्टिव में कैसे यूज करेंगे, दैट को हम प्रोनाउन में कैसे यूज करेंगे. अभी देखिए अभी मेन क्वेश्चन के पास हम चलते हैं. जो क्वेश्चन ऑलवेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सही है. देखो रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूसेज आपको पता है. रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन हम हु यूज करते हैं, व्हिच भी यूज करते हैं और हुम भी यूज करते हैं, हुज भी यूज करते हैं और दैट भी यूज करते हैं. पर याद रखिए दैट हम हु के लिए भी, हु के बदले में भी यूज कर सकते हैं, हुज के बदले में भी यूज कर सकते हैं, हुम के बदले में भी यूज कर सकते हैं. कब कब? ना जब वो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होता है. यूजुअली याद रखिए नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस आर सेपरेटेड बाय कॉमा, बट डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस आर नॉट सेपरेटेड बाय कॉमा. डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में हम हु भी यूज कर सकते हैं और दैट भी यूज कर सकते हैं. ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है. देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हूँ, वी मेट समडे लास्ट नाइट, दैट दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है. किसको रिलेट कर रहा है? वी मेट समबडी, समबडी को रिलेट कर रहा है. दैट डिड द स्पीच, जो स्पीच किया दिया थे, स्पीच दैट डिड द स्पीच थेरापी कोर्स, जो स्पीच थेरापी कोर्स किए थे. टू इयर्स आफ्टर यू, यहाँ पे देखिए एक दैट किसको रेफर कर रहे हैं? एक पर्सन को इंडिकेट कर रहा है. सेकेंड देखिए, शी फाइनली विजिटेड द कॉफी शॉप दैट हैड सच ग्रेट रिव्यूज, यहाँ पे दैट किसको इंडिकेट कर रहा है? किसको रिलेट कर रहा है? एक कॉफी शॉप को रिलेट कर रहा है. समझ में आ रहे हैं आप लोग को दैट रिलेटिव प्रोनाउन के हिसाब में कैसे यूज हो रहा है? इट इज द सेम कुकर दैट माई मदर हैज, ये दैट किसके इंडिकेट कर रहा है? सेम कुकर को इंडिकेट कर रहा है. दैट मीन्स देखिए अगर दैट के बदले में अगर व्हिच लिखा होता है तो कुछ भी नहीं रॉन्ग होता. सेकंड में यहाँ पे शी, वी मेट समबडी लास्ट नाइट,
हु अगर यहाँ पे लिखा होता तो कुछ भी नहीं रॉन्ग होता. दैट मीन्स यहाँ पे हु और विच के बदले में हम क्या यूज करें, दैट यूज कर रहे हैं. क्यों ये पॉसिबल हुए, बिकॉज ये एक डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है. अभी देखिए हमें एग्जाम पर्सपेक्टिव में कैसे क्वेश्चन में आता है. जैसे कि अभी देखिए, The boys knew the way to the temple, reached there promptly. अभी आपको एक क्वेश्चन, अभी आपको पूछा जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा, हु होगा या दैट होगा. द बॉयज डैश न्यू द वे टू द टेम्पल रीच दैट प्रॉम्प्टली. डेफिनेटली आप क्या यूज करेंगे, आप हु यूज करेंगे. अब अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे हु भी करेक्ट है और दैट भी करेक्ट है तो कुछ भी रॉन्ग नहीं होगा. द बॉयज हु भी करेक्ट है और दैट भी करेक्ट है. क्यों, ये एक डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है. क्यों डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है, बिकॉज यहाँ पे कॉमा नहीं है. अगर कॉमा होता तो उसे हम नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज बोलते हैं. तो यहाँ पे द बॉयज हु न्यू द वे टू द टेम्पल सही है, द बॉयज दैट न्यू द वे टू द टेम्पल ये भी सही है. सेकंड पे देखिए, एवरीवन डैश विजिटेड द ताजमहल लाइक सीट. एवरीवन के बदले एवरीवन के पास क्या होगा, हु विजिटेड हो सकता है और दैट विजिटेड भी हो सकता है. समझ में आ रहे हैं, तो हम हु भी यूज करेंगे, दैट भी यूज करेंगे. क्यों, ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है. बट अभी देखिए, ही इज द बेस्ट स्पीकर वी एवर हर्ड. ही इज द बेस्ट स्पीकर, अगर यहां पे अगर हु लिखेंगे तो इट वुड बी रॉन्ग. तो यहां पे क्या लिखना चाहिए, दैट लिखना चाहिए. क्यों, ऑलवेज याद रखिए, अगर आपको एक रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है किसके बाद, आफ्टर सुपरलेटिव एडजेक्टिव. अगर सुपरलेटिव एडजेक्टिव के बाद आपको एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे, ना दैट को प्रायोरिटी देंगे, हु को नहीं. यहाँ पे हु नहीं बिठेगा, यहाँ पे दैट का यूज होगा. अभी सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, दिस इज द वर्क डैश वी कैन डू, दिस इज द वर्क डैश वी कैन डू. यहाँ पे द वर्क है, यहाँ पे विच लिख सकते हैं और दैट भी लिख सकते हैं. दिस इज द वर्क विच वी कैन डू और दैट वी कैन डू. बट नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, दिस इज द बेस्ट वर्क. बेस्ट वर्क क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री को इंडिकेट कर रहा है. तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद हम क्या यूज करते हैं, दैट यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं, दैट यूज करते हैं. अगर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन आता है दिस इज द बेस्ट वर्क विच वी कैन डू, यहाँ पे याद रखो दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट. क्यों, बिकॉज यहाँ पे विच लिखा है. अगर करेक्ट करना है आपको क्या यूज करना है, दैट यूज करना है. क्यों दैट आपको यूज करना है, बिकॉज द रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज प्रेफर्ड टू हु और विच. हु और विच के बदले में हम दैट को प्रेफर करेंगे, कब, आफ्टर सुपरलेटिव एडजेक्टिव. ये फर्स्ट पॉइंट याद रखो, कब यूज करेंगे, आफ्टर सुपरलेटिव एडजेक्टिव. और कहां पे यूज कर सकते हैं, आफ्टर द इंटरोगेटिव प्रोनाउंस. इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के बाद में भी हम दैट यूज करते हैं, हु विच हुज वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इसके बाद हम दैट को यूज करेंगे, ना कि अलग कोई एडजेक्टिव, अलग कोई रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं. समझ में आ रहा है. और आफ्टर द एंटीसीडेंट्स वन डिनोटिंग ए पर्सन एंड अदर एन एनिमल और ए थिंग, इस सबको हम डिटेल में समझेंगे. अभी देखते हैं सुपरलेटिव एडजेक्टिव बाद में क्या बोला, आफ्टर द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तो इसका क्या है देखते हैं. आफ्टर द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या लिखा हूं, हु इज देयर, हु एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है. हु इज देयर, डस डस लव हिज कंट्री. तो यहां पे देखिए, हु इज देयर, दैट लिखेंगे और हु लिखेंगे. तो नो डाउट हम यहां पे क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे, क्योंकि हु एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद हम दैट यूज करते हैं, ना कि हु. समझ में आ रहा है. सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज इट, डैश विल लास्ट फॉर एवर. व्हाट इज इट, व्हाट एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है. इसके बाद हुई, अगर यहाँ पे लिखा हुआ था विच और दैट, आपको क्या चुनना था, आपको क्या मार्क करना है, आपको दैट को यूज करना है, ना कि विच. क्यों, बिकॉज आफ्टर द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद हम दैट यूज करते हैं, ना कि विच. अभी देखिए, हुज इज दिस हाउस, डैश लुक्स एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल. नो डाउट यहाँ पे अगर रिलेटिव प्रोनाउन पूछा जाएगा तो क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे. होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. अभी देखते हैं
और कहां पे दैट यूज करेंगे, किसके प्रायोरिटी के बदले में, हु और व्हिच के बदले में दैट कहां पे यूज करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हूं, आफ्टर द एंटीसीडेंट्स वन डिनोटिंग अ पर्सन एंड द अदर एन एनिमल ए थिंग। अगर एंटीसीडेंट आता है, एंटीसीडेंट दो एंटीसीडेंट दिया होगा, फर्स्ट क्या एक इंसान को इंडिकेट कर रहा है, सेकेंड इधर एनिमल को और एक थिंग को इंडिकेट करेगा, तब जाके हम दैट को यूज करेंगे, ना कि व्हिच और हु को यूज करेंगे। एग्जाम्पल में दिया हूं द ओल्ड मैन एंड हिज पेट। अभी देखिए पेट एक क्या है, एनिमल का, एनिमल है तो एनिमल के बदले एनिमल के पास हम यूजुअली व्हिच यूज करते हैं। अगर आप यहाँ पे व्हिच लिखेंगे ऑफ द ओल्ड मैन एंड हिज पेट व्हिच मेट विथ एन एक्सीडेंट डाइड टुडे देन इट वुड बी रॉन्ग। तो क्या लिखना है आपको, द ओल्ड मैन एंड हिज पेट दैट मेट विथ एन एक्सीडेंट डाइड टुडे। समझ में आ रहा है? ओके अभी देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या आता है। सर्टन वर्ड्स आर दैट, कुछ ऐसे वर्ड है जिसके बाद हम दैट को यूज करते हैं, जैसे कि फर्स्ट में एग्जाम्पल दिया हूं आफ्टर ऑल सेम एनी नन नथिंग ओनली फ्यू लिटिल नो सम ईट एवरीथिंग एंड एनीथिंग। अगर ये इस प्रोनाउन इंडेफिनेट प्रोनाउन के बाद आपको अगर रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए आप क्या यूज करेंगे ना, आप दैट को यूज करेंगे। आई रिप्लाइड एवरीथिंग, अगर यहां पे लिखा होता व्हिच वाज आस्क्ड, आई रिप्लाइड एवरीथिंग व्हिच वाज आस्क्ड देन इट वुड बी रॉन्ग। तो यहां पे राइट आंसर क्या होना चाहिए, आई रिप्लाइड एवरीथिंग दैट वाज आस्क्ड। ही कैन डू एनीथिंग व्हिच वाज रिक्वायर्ड, रॉन्ग। क्या लिखना चाहिए, दैट इज रिक्वायर्ड। मैन इज द ओनली एनिमल व्हिच कैन स्पीक और हु कैन स्पीक, रॉन्ग। अगर यहां पे लिखा होता हु और व्हिच then ये wrong होता, तो क्या होगा, man is the only animal that can speak, he is the same man, same के बाद हम क्या use करेंगे, that use करेंगे, he is the same man that he has been, all which glitters, all that glitters, all that glitters is not good। hope आप सभी को समझ में आ रहा है। तो क्या मैं जो जो मैं बोला उसको अगर sum up करेंगे तो क्या हुआ ना, हम relative pronoun that किस कहां पे यूज करते हैं, आफ्टर सुपरलेटिव एडजेक्टिव, आफ्टर द इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, आफ्टर द एंटीसीडेंट्स वन डिनोटिंग अ पर्सन एंड अदर एन एनिमल और अ थिंग एंड आफ्टर फ्यू वर्ड्स लाइक ऑल सेम एनी नन एवरीथिंग नथिंग ओनली ए फ्यू रिलेटेड एटसेट्रा। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अलॉट टू अंडरस्टैंड दिस रिलेटिव प्रोनाउन कॉन्सेप्ट दैट। इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर इट and subscribe our YouTube Burning Online channel. Thank you.